hello dear students today we are going to start our new unit that is electromagnetic waves in this video we learn the basics of electromagnetic wave how the electromagnetic waves are generated and how they are produced that we learn in this video first of all there was a scientist named maxwell and what he assumed is ट ऑल दीज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन बी फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ फोर फंडामेंटल इक्वेशों इन्हीं इक्वेश्स को नाम दे दिया मैक्सवेल इक्वेश अगर हम इसमें सबसे पहले वाले लॉ की बात करें तो ये हमारा गॉस लॉ है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोमैगनेट इलेक्ट्रोस्टेटिक्स सेकेंड इज Gauss law in magnetism. In magnetism, third is this is E dot ds is equal to d phi by dt. This is Faraday law of electromagnetism. This is Faraday law, and the last one is Ampere circuital law. This is Ampere circuital. Law. And you must have found that in this we have in Ampere circuital law, it was line uh, surface integral of B uh, magnetic field is equal to mu naught i. And here we are having few modifications. And why this modification is there, we'll see in our next slide. As we find that.

equal to mu naught times the current flowing through it. So if I'll consider one loop over here, suppose this loop is C1 and one loop in between the capacitor, capacitor plate. So what I found is here in C1, Ampere circuital law is valid because I can find the current which is flowing through this. But in case of capacitor, there is no wire present so if there is no wire present that means there uh, there will have ampere circuital law as invalid but still we find that current flows through this circuit तो ये ऐसा क्यों हमें देखने को मिल रहा है the reason is यहाँ पर हमें inconsistency दिख रही है जो हमने ampere circuital law अपना basic ampere circuital law पढ़ा था tha, that is B dot dl is equal to हमने क्या पढ़ा था म्यू not I पढ़ा था तो सिंपल सी बात हमें इसमें क्या देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है क्या इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है कि यहाँ पर तो हमारे पास वायर है लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास वायर ही नहीं है तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे अप्लाई करेंगे बिकॉज वी डू नॉट फाइंड एनी करेंट फ्लोइंग थ्रू इट बट वट वी फाइंड ओवर हियर इज हियर वील हैव अ पॉजिटिव चार्ज इफ सपोज दिस इज अ डीसी सोर्स स्टिल वील फाइंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट सो वट वील फाइंड

तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में हमारा लॉ क्या कहता था हमें लॉ बोलता था इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल ऐसी ही बात बोलता था और ई ईडॉट डी एस होता क्या था ई डॉट डी एस होता था हमारा ई अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दू तो डिफ्रेंशिएट करने पर मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा

और यही जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है ये उसी जगह अप्लाई होगा मतलब जिस तरीके की सिचुएशन हमें यहां पर दिख रही है कि जो भी हमारा कैपेसिटर है उसके रीजन में किसी भी तरीके का कोई वायर नहीं है बट स्टिल यहां पर मुझे जो करंट मिल रहा है दैट करंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड दिस करंट अपीयर्स ड्यू टू द वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि आई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाइ बाई

आईसी प्लस आई डी बिकॉज जहां पर आईसी सी एग्जिस्ट करेगा वहां आई डी नहीं एग्जिस्ट करेगा और जहां आई डी एग्जिस्ट करेगा वहां आईसी नहीं एग्जिस्ट करेगा तो मैं यहां पर सीधे सीधे इसको अब क्या लिख सकता हूँ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सलन नॉट डी फाइ बाई डी टी सो मैक्सवेल ने क्या काम किया मैक्सवेल ने मेरे एम्पियर सर्किटल लॉ को हर तरीके के रीजन में अप्लाई करने का फॉर्मूला बता दिया यानी कि अगर कंडक्शन करंट होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है तब तो जो अभी तक आपने पढ़ा था वो बिल्कुल सही था वैलिड था लेकिन अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी कैपेसिटर वाली सिचुएशन होगी तो कैपेसिटर वाली सिचुएशन में आपको क्या चीज देखने को मिलेगी आपको एक एक करंट देखने को मिलेगा जिस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं विच बीन डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक तो 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 फील्ड भी हमारी वेरियंग होगी तभी हमारा कैसा फ्लक्स कैसा होगा तो उसकी वजह से जो हमें करेंट अपियर हो रहा है इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व की फेराडे के लॉ में और फेराडे के लॉ में इन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व की जरा ध्यान से समझिएगा इन्होंने बोला कि फेराडे लॉ क्या बोलता है फेराडे लॉ बोलता है कि जो भी आपका पोटेंशियल है E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी ऐसा ही पढ़ा है हमने और सिंपल सी बात E मतलब पोटेंशियल और पोटेंशियल और E के बीच में एक रिलेशन हुआ करता था क्या रिलेशन होता था इज इक्वल टू डीवी बाई डी एल ऐसा ही रिलेशन हमने देखा था तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं और अगर मैं जब दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दूंगा तो वी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा e देखने को मिलता था यानी कि यहां पर इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी और फाइव बी क्या होता है हमारा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हमें देखने को मिलता था मतलब ये इस रिलेशन से हमें क्या चीज पता चली इस रिलेशन से हमें ये चीज पता चली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हमें रिलेशन समझ में आया और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या रिलेशन समझ में आया फेराडे ने फेराडे के जो लॉ लॉ था उसमें मैक्सवेल ने एक प्रोडिक्शन दिया कि अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका वाइस वर्षा भी ट्रू होगा और वाइस वर्षा क्या है अ टाइम वेरियंग इलेक्ट्रिक फील्ड

तो वहां पर हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी जो हमें इस रिलेशन से क्लियरली समझ में आ रहा है देखो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पर हमें वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी अगर मैं डी को इधर लेकर जाऊंगा तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रही होगी तो उसकी वजह से मुझे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तो हमें ये दो प्रिडिक्शन थे जो प्रिडिक्शन हमें मैक्सवेल ने दिए कि जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो सोर्स है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स है हमारा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का अब बात करते हैं कि इन दोनों चीजों से हमें क्या चीज देखने को मिली हमें यही चीज समझ में आई कि जो भी हमारी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है और उसी वेरिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें चेंजिंग मैग्नेटिक मतलब सॉरी चेंजिंग वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है मतलब दोनों साइमल्टेनियसली अकर करेंगी यही जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो साइमल्टेनियसली अकर करती हैं इन्हीं से बनती साइमटेनियसली अकरेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वही जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अगर हम उसकी डेफिनेशन की बात करें तो वट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उससे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट हमारे सामने आया कैसे तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्ड्स एंड ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद वेरिंग Uh, electric and uh, uh, for varying electric and magnetic field what he did in his experiment he put a lc circuit ye hamari suppose yahan par induction coil hai kya hai ye induction coil aur agar ye hamari induction coil hai aur yahan par hamare paas capacitor ki do plates hain इन दोनों को जब हम combine करते थे तो याद होगा आपको कि हम लोगों ने AC में पढ़ा था LC oscillations। मतलब सिंपल सी बात कि जब कभी भी L और C को कंबाइन करके हम सर्किट बनाते हैं तो उस केस में हमें चार्ज के ऑसिलेशन देखने को मिलते हैं मतलब हमें ऑसिलेटिंग चार्ज देखने को मिलता है तो जो भी हमें ऑसिलेटिंग चार्ज देखने को मिलेगा वो ऑब्वियस ही बात है उसका नॉन जीरो एक्सेलरेशन होगा कैसा एक्सेलरेशन होगा नॉन जीरो एक्सेलरेशन तो इन्होंने जो सबसे पहले सेटअप तैयार किया उन्होंने क्या किया एक एल लिया मतलब इंडक्टर इंडक्शन कॉइल ली कैपेसिटर की दो प्लेट्स ली जो किसकी बनी हुई है आपकी कॉपर और जिंक की बनी हुई है यहाँ पर इन्होंने s1 एंड s2 के मेटल स्फेयर ले लिए जिनके बीच में स्पेस उन्होंने बहुत कम रखा मतलब 2 टू 3 सेंटीमीटर का स्पेस रखा इन्होंने और जो प्लेट्स हैं इन प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन प्लेस किया दैट वाज ऑफ अराउंड 60 सेंटीमीटर एंड व्हाट दे फाइंड इज कि भैया जब भी यहां से एलसी ऑसिलेशन होंगे तो इन दोनों के बीच में जो भी एयर हमारी प्रेजेंट होगी क्या चीज प्रेजेंट होगी एयर वो एयर आयोनाइ हो जाएगी और जब ये एयर हो जाएगी तो आयोनाइज होने की वजह से जो भी आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स आपके ऑसिलेट होना शुरू होंगे और ऑसिलेट होने के बाद ये हमारे डिटेक्टर के पास पहुंच जाएंगे किसके पास पहुंच जाएंगे डिटेक्टर बोल सकते हैं या रिसीवर बोल सकते हैं तो रिसीवर के पास भी आपको क्या चीज देखने को मिल रही है ये दो स्फेर्स लगे हुए देखने को मिल रहे हैं जब इनमें से कोई भी ये ऑसिलेटिंग चार्ज आकर यहां पर स्ट्राइक करेगा टकराएगा तो टकराने की वजह से टाइनी स्पार्क प्रोड्यूस करेगा विच एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि हाँ ऑसिलेटिंग अगर चार्ज है ऑसिलेटिंग मतलब जिसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा भैया जो भी हमारा चार्ज ऑसिलेटिंग है वहां पर उसकी हर बार डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है और हर बार अगर डायरेक्शन किसी भी चीज की चेंज होती है इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन होता है और अगर वहां पर एक्सेलरेशन है मतलब जो भी हमारा एक्सेलरेटेड चार्ज है वो एक्सेलरेटेड चार्ज मेटेलिक स्वेयर पर जाकर जब स्ट्राइक करेगा तो आपका एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा एंड दिस स्पार्क शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हर्ड्स एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया हर्ड्स एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया ताकि आपको

हाई फ्रीक्वेंसी सीस देखने को मिलेंगे उसकी वजह से भाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो वहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई देगी और वो मैग्नेटिक फील्ड भी किसकी होगी बेटा सेम फ्रीक्वेंसी की मतलब जिस फ्रीक्वेंसी की आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी फ्रीक्वेंसी की आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी और दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे यही ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या बना देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती है मतलब अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनानी है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को अगर कंबाइन करके uh, मैं सेम सेम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की field, की वेरिंग वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड मैग्नेटिक अगर मैं साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस करा पाऊंगा तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना पाऊंगा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड आर रेडिएटेड फ्रॉम दी स्पार्क गैप द डिटेक्टर इज हेल्ड इन दी पोजिशन सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई देंट Is perpendicular to the plane of the coil. The resultant electric field induced by the oscillating magnetic field causes the ionization in the ionization of the air in the gap between the sphere. So a conducting path becomes available for the induced current to flow through the gap. This causes spark to appear at the narrow gap. It was observed that this spark was most intense when the sphere S1 and S2 and S1 dash, S2 dash were parallel to each other.

तो ये हमने अभी तक जो चीज देखी वो यही देखी कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर हमें क्या चीज देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक uh, फील्ड भी देखने को मिलेगी और टाइम वेरिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक uh, फील्ड है तो वहां पर हमें वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी यहीं पर अगर हम आगे बात करते हैं अब तो सिंपल सी बात इसकी डेफिनेशन पर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अभी हमने पीछे ही देखा कि इट इज दी वेव रेडिएटेड बाई एन एक्सेलरेटेड चार्ज

अब यहां पर कुछ चीजें जानने की कोशिश करते हैं सिंपल सी बात ये कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होंगी पहली चीज दूसरी चीज इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई फेस डिफरेंस नहीं होगा तीसरी चीज दोनों एक दूसरे के आ, आ, जो इनका मैग्नीट्यूड होगा उसका रिलेशन हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो अगर मैं फोर्स की बात करूं कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कितनी फोर्स प्रोड्यूस करेगी तो क्यू वी बी अमाउंट की फोर्स प्रोड्यूस करेगी क्योंकि साइन तो यहां पर 90 हो जाएगा तो so f की वैल्यू हमें कितनी मिली यहां से qvb और अगर मैं यहीं पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं ये हमारी मैग्नेटिक फोर्स है ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो यहां पर हमें रिलेशन क्या देखने को मिलेगा qe दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2 तो qvb मुझे क्या चीज देखने को मिलेगी qe के बराबर देखने को मिलेगी q से q अगर आप कैंसिल कर दें तो v इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा e b और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है किससे स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी ये किससे चलेगी बेटा स्पीड ऑफ लाइट तो सी इज इक्वल टू हम सीधे सीधे क्या लिख पाएंगे ई बाई बी ये मुझे रिलेशन मिल गया ई e और बी में कि ई e जो है वो सी टाइम्स ऑफ बी के बराबर होगी क्लियर हो गई बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दी रेडिएटेड बाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कभी भी यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज से नहीं प्रोड्यूस हो सकती यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज से सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है रेस्ट पर जब कभी भी चार्ज पार्टिकल होगा तो उससे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है लेकिन अगर चार्ज एक्सिलरेटेड है तो एक्सिलरेटेड चार्ज से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस हो सकती है और दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे बेटा परपेंडिकुलर रहेंगी और दोनों का ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपेशन क्या रहेगा सेम रहेगा तो यहां पर अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन कैसी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन कैसी होगी ये आपको दिख रही होगी बेटा ये एक वेव फॉर्म है तो अगर ये वेव फॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक वेव इक्वेशन को फॉलो करनी चाहिए यानी कि ई नॉट साइन ओमेगा यही होती थी हमारी वेव की इक्वेशन ये हम लोगों ने इलेवेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा था b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर b नॉट साइन ओमेगा t माइनस के तो देखो यहां पर साइन के अंदर वाली टर्म में आपको किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं करना है इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपकी मैग्नेटिक जो आपकी वेव बनती है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं मतलब अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वाई डायरेक्शन में है प्रोपोगेशन देखो ये एक्स क्या बताता है दिस एक्स टेल्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या बताएगा ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और अगर ये मुझे प्रोपोगेशन की डायरेक्शन बताएगा मतलब ये मेरी वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी वाई डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन जेड डायरेक्शन अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में हो जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो एक्स ही है तो ये किस में होगी ये ऑब्वियसली बात है ये वाई डायरेक्शन में होगी तो मतलब आपको बस ध्यान ये रखना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब अगर यहां पर एक्स लिखा है और ये अगर y लिखा है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में ही होगी अगर यहां पर मान लीजिए मैं ऐसे इक्वेशन लिख दूं कि ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा माइनस ऑफ के वाई तो ऑब्वियसली बात है अब जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी Bz इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वाई वाई क्योंकि तो हमारी की डायरेक्शन हो गई एक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई तो बाकी जो बच्ची हमारी जेड डायरेक्शन परपेंडिकुलर वो किसकी डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी सीबीएसई में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे देगा और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकालने को बोलेगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन आपको पता चल गया कि सी सी इज इक्वल टू अब सिंपल बात ई ई बी बी है है तो तो मैं इसको नॉट e नॉट भी तो लिख सकता कि नहीं तो अगर आपको ई नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देगा तो ई नॉट देगा तो आप वहां से क्या निकाल सकते हैं बस आपको आपको डायरेक्शन डायरेक्शन का का ध्यान रखना है कि आपको कैसी मिलेगी इन्हीं दोनों का जो रिजल्टेंट बनता है इन्हीं दोनों से जो वेव बनती है बेटा उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं आगे चलते हैं तो यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की और वो प्रॉपर्टीज को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो सिंपल सी बात पहली तो यही है वेरिएशन इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर साइमल्टेनियसली दे अटेन देयर एंड एंड मिनिमा एट एट द द सेम सेम प्लेस टाइम पहली चीज चीज दूसरी चीज़, दोनों की डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी एंड इनका प्रोपोगेशन जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होती है ये देखो ये मैंने आपको रिलेशन अभी अभी बताया था कि सी इज इक्वल टू आपको क्या देखने को मिलेगा ई नॉट बाई बी नॉट आपको देखने को मिलता है तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई चौथी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाएगी आपकी सी इज इक्वल टू ये भी एक होता है कि C 8 जो मिलती है वो हमें इसी रिलेशन से देखने को मिलती है आगे अगर हम चलें तो सिंपल सी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करेगी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनको प्रोपोगेट कराने के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कैरी करेगी एनर्जी कैरी करेगी जब कभी भी वो प्रोपोगेट करेगी एनर्जी जो है वो इक्वली डिवाइड होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये हम अभी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम टू दी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन देयर पाथ ठीक है सिंपल सी बात दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल इनको किसी भी तरीके के किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइट वेक्टर भी बोलते हैं ऑसिलेटिंग चार्ज विच हैज नॉन जीरो एक्सिलेशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे वेरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी आपका नॉन चार्ज ऑसिलेटिंग चार्ज होगा जो नॉन जीरो एक्सिलेशन होगा वही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है आगे चलते हैं और आगे अगर हम चलेंगे सिंपल सी बात एनर्जी डेंसिटी क्या होती थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी जो एनर्जी डेंसिटी होती थी वो होती थी यू ई इक्वल टू एंड दिस इक्वल टू हाफ नॉट ई नॉट स्क्वायर और यू बी हमें जो रिलेशन देखने को मिला था वो क्या ने? देखने को मिला था बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट ऐसे ही रिलेशन हमें देखने को मिला था तो जब हमें ये रिलेशन देखने को मिले तो ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम इक्वल एनर्जी मतलब ये दोनों ही रिलेशन आपके क्या होंगे इक्वल होंगे मतलब एनर्जी जो होगी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं मतलब मैं क्या लिख सकता हूं मैं ये लिख सकता हूं कि भैया यहां पर हाफ एप्सलन नॉट ई नॉट स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट के बराबर हो तो यहां पर अगर आप देखो आप ध्यान से तो म्यू नॉट एप्सल नॉट दिस इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन ई नॉट का होल स्क्वायर तो ये देखो क्या रिलेशन मिलेगा अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सल नॉट इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर सॉरी बी नॉट अपॉन ई नॉट और ये बी नॉट अपॉन ई नॉट होता है अपॉन सी सी तो इज इक्वल टू आपको क्या रिलेशन मिल जाएगा वन अपॉन म्यू नॉट एप्सलन नॉट तभी आपको ये सी का रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन कुछ ऐसा देखने को मिला है आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है तो दोनों ही पॉइंट्स आपको क्लियर हो नेक्स्ट अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी के, के केस में हमें क्या चीज देखने को मिलेगी देखिएगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है व्हाट इज इंटेंसिटी इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी क्रॉसिंग क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम इन दी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू टू द डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन तो इंटेंसिटी निकालते हैं तो इंटेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऐसा ही रिलेशन हमने देखा है तो अगर हम स्मॉल की बात करें स्मॉल आपको याद होगा इसको हम क्या बोलते थे इसको हम लोग बोला करते थे एनर्जी डेंसिटी तो एनर्जी डेंसिटी क्या हुआ करती थी एनर्जी डेंसिटी हमारी होती थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो यहां पर इंटेंसिटी निकालने के लिए अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा मैं एनर्जी इज इक्वल टू यू इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल सेक्शन के थ्रू अगर मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है तो यहां पर जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी होगी सी इंटू डेल्टा डी क्योंकि सी की स्पीड से सपोज डेल्टा डी टाइम के लिए ट्रेवल कर रही है तो अगर ये डेल्टा टी टाइम के लिए ट्रेवल कर रही है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है

और एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें तो एनर्जी डेंसिटी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सॉरी इलेक्ट्रोस्टेटिक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आप रखेंगे तो नॉट टू सी ये रिलेशन मिलेगा और या फिर आप अगर इसको आर एम एस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं बेटा देखो ई नॉट बाई रूट टू तो सिंपल सी बात इसको आप इम e एस भी लिख सकते हैं ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी नॉट स्क्वायर अपॉन आप यहां पर टू म्यू नॉट लिख रहे होंगे टू म्यू नॉट है कि नहीं इंटू सी तो यहां पर भी जो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो कितना लिखने को मिलेगा? Not, square, c, देखने को मिलेगा वन अपॉन म्यू नॉट बी आर एम एस का स्क्वायर इंटू सी ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ये आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी मोमेंटम आपको बचपन से पता है कि मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम यहां पर आपको जो देखने को मिलेगा ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि मोमेंटम यहां पर आपको एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट देखने को मिलेगा यू बाई सी ये आपका मोमेंटम हो गया है क्या नहीं सिंपल सी बात

कौन कौन सी ऐसी वेव्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं बेटा तो सिंपल सी बात रेडियो वेव माइक्रोवेव आपकी अगर हम बात करें रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रा विजिबल लाइट अल्ट्रा वायलेट एक्सरे गामा रेस ये सारी की सारी आपकी क्या होती हैं ये आपकी इलेक्ट्रो वेव होती है इनका एक स्पेक्ट्रम है सिंपल सी बात आपको पता है कि जो विजिबल लाइट होती है विजिबल लाइट आपकी 400 नैनोमीटर से लेकर के

क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ध्यान रखनी है कि लेकर टेन टू दी पावर नाइन हर्ड होती है कैसे प्रोड्यूस होती है ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से प्रोड्यूस होती है कहां, कहां यूज होगी रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग में यूज होगी माइक्रोवेव की भी इसी तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी कि इसकी रेंज क्या होती है वेवलेंथ क्या होती है कैसे प्रोड्यूस होता है इसके क्या क्या यूज है ये सारे के सारे आपके सामने ये यूजेस लिखे हुए हैं आपकी रेंज ऑफ वेवलेंथ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी लिखी हुई है ये सारी की सारी रेंज और फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखनी है स्पेशली यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अलावा भी ढेर सारे जो यहाँ पर यूजेस लिखे हुए हैं इसके अलावा भी आपको ढेर सारे यूजेस देखने को मिलेंगे तो कुल मिलाकर के जो भी लाइट आपको दिखाई दे रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो लाइट नहीं दिखाई दे रही है वो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है आपका मोबाइल जो काम करता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से काम कर रहा है आप कभी एक्सरे कराने जाते हैं तो सिंपल सी बात वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अल्ट्रा वॉयलेट वेव जो है वो भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो लगभग ये सारी की सारी जो आपके सामने ये नाम लिखे हुए हैं ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो रेडियो वेव माइक्रोवेव इंफ्रा लाइट और विजिबल स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट रेज एक्स रेज एंड गामा रेज ये सारी की सारी वेव्स के वेव्स की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सोर्स और यूजेस आपको बिल्कुल याद रखने हैं आपको क्वेश्चन लास्ट ईयर भी इन पर बेस्ड आया था कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्स रे वेवलेंथ की रेंज क्या है एक्स की तो वहां पर लोग गलती कर जाते हैं यहां पर 652 या इस तरीके की वैल्यू नहीं याद रखनी है आपको जो चीज याद रखनी है वो जैसे

मार्किंग स्कीम जो आती है बेटा वहां पर हमें इन्हीं चीजों पर काम करने को बोला जाता है जो भी चीजें एनसीआर में लिखी गई तो आपको उन्ही चीजों पर ध्यान देना है इतना ही है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी आज हमने पढ़ा यही है अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो आपको ज्यादा बातें नहीं ये जो स्पेक्ट्रम है ये स्पेक्ट्रम में यही सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है हर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है वो आपको ध्यान रखना है इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर पर इस बेस्ड न्यूमेरिकल आपको अक्सर देखने को मिलता है वो आप ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ वाई और जेड या एक्स इन्हीं का खेल होता है बेटा यहाँ पर बाकी साइन के अंदर वाली टर्म आपकी कॉन्स्टेंट रहती है ई नॉट बी नॉट आप इन दोनों में रिलेशन आप निकाल ही सकते हो कि अगर आपको ई नॉट दिया गया है तो आप बी नॉट की वैल्यू निकाल कर दे सकते हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी बाकी आपको कोई चीज और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है अप, अपने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बाकी चीजें जब आप ई ब्रांच लेंगे तो उस टाइम पर देखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी ठीक है सो आई होप यू पीपल टॉपिक पढ़ाई कीजिएगा देखिएगा गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू